में श्री राम एयरपोर्ट के लिए किसानों का जमीन देने का इनकार। धर्मपुर गांव के ग्रामीणों ने किया इनकार। मुआवजे में असमानता को लेकर नाराज है ग्रामीण। जनोरा गांव के बराबर नहीं मिला मुआवजा तो नहीं देंगे एयरपोर्ट के लिए जमीन। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे व कम्युनिटी पार्टी के नेता सूर्यकांत पांडे भी संयुक्त रूप से धर्मपुर गाँव में लगाई चौपाल। किसानों की लड़ाई सपा व कम्युनिटी पार्टी लड़ेगी। दोनों नेताओं ने लिया ऐलान। जनौर गांव व धर्मपुर गांव में 10 गुना अंतर है स्कलिट रेट में। आज यहां पर धर्मपुर गांव के लगभग 250 घर के सारे सदस्य यहां पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुआवजा देने में असमानता बढ़ती जा रही है, आप ये देख रहे हैं बीच में सड़क आपको दिख रही है। सड़क के बाईं तरफ जनौरा है, दाहिनी तरफ धर्मपुर ग्राम सभा है। जनौरा का मुआवजा दूसरा है, धर्मपुर ग्राम सभा के लोगों का मुआवजा दूसरा है और लगभग 10 गुना से ज़्यादा का अंतर है। तो धर्मपुर गांव के जो निवासी हैं, जो यहां पर रहने वाले किसान हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार मुआवजा देने में कोताही बरत रही है। आज हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं, श्री सूर्यकांत पांडे जी हैं और गांव के सारे लोग, लगभग यहाँ पर 400-500 लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब इकट्ठा हैं और हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि जो मुआवजा अन्य ग्राम सभाओं को दिया जा रहा है, चाहे वो जनौरा हो, चाहे नंदापुर हो, चाहे भीखापुर हो, चाहे गंजा हो, जो मुआवजा वहाँ के किसानों को, वहाँ पर रहने वाले लोगों को दिया जा रहा है, वही मुआवजा धर्मपुर ग्राम सभा में रहने वाले लोगों को दिया जाए। अगर उचित मुआवजा इन लोगों को नहीं दिया जाएगा तो गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अगर उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा, ससम्मान जो ये लोग चाहते हैं, अगर ये सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, आप एयरपोर्ट बनाइए, लेकिन जो उचित मुआवजा है, जो मुआवजा आप अन्य ग्राम सभाओं को दे रहे हैं, वही मुआवजा अगर आप इन गांव सभा के सारे लोगों को देंगे तो ये लोग अपनी जमीन देंगे, वरना अपनी जमीन एयरपोर्ट के लिए नहीं देंगे। और अगर प्रशासन नहीं मानता तो ये लोग आंदोलन धरना करेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखने का काम भी करेंगे और कानूनी लड़ाई भी गांव के लोग लड़ेंगे। और हम सारे लोग, ये किसी दल का मामला नहीं है, ये हक और वजूद की बात है और इस हक वजूद की लड़ाई में, सम्मान की लड़ाई में हम सारे लोग संपूर्ण ग्रामवासियों के साथ हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।